नमस्कार, मैं साक्षी, मैंने न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। स्वामी ओम ने किया लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। बिग बॉस 10 के सबसे विवादित कंटेस्टेंट और स्वयं भू बाबा स्वामी ओम ने अब लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बता दें कि स्वामी ओम नई दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। स्वामी ओम ने खुद बयान जारी कर ये जानकारी दी थी। स्वामी ओम का असली नाम विनोदानंद झा है। अपने बयान में स्वामी ओम ने कहा कि वह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के हिंदू विरोधी रवैये को चुनावी मुद्दा बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक ट्वीट किया जिसमें उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू हिंदू धर्म के प्रतीक स्वास्तिक के पीछे भाग रहा है। स्वामी ओम ने अपने बयान में कहा कि कई हिंदू संगठनों ने शनिवार को मीटिंग कर उनका नाम तय किया है। स्वामी ओम बिग बॉस सीजन 10 के कंटेस्टेंट रह चुके हैं। इस सीजन में उन्होंने घर के अंदर कई बवाल किए थे। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के अलावा उन्होंने कैंटेसी टास्क के दौरान बानी जे पर यूरिन तक फेंकी थी। इसके बाद उन्हें शो से निकाल दिया गया था। शो से निकलकर उन्होंने सलमान खान को थप्पड़ मारने का दावा किया था। स्वामी ओम का नाम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा जारी 14 फर्जी बाबाओं की लिस्ट में भी शामिल है। इस लिस्ट में आशाराम बापू, गुरमीत राम रहीम, सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ, सचिदानंद गिरी, ओम बाबा उर्फ विनोदानंद झा, निर्मल बाबा, इच्छाधारी विमानंद, बृहस्पति गिरी शामिल थे। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।